करते हैं, तो आज आपके साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि कुछ दिनों से कुछ वीडियो वायरल हो रहा था और हमारे खिलाफ एक्यूजिशन हो रहे थे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के खिलाफ, कि जब भी ये प्राइम मिनिस्टर को ओनली कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिन्होंने बिजनेस लॉस रिपोर्ट बनाया, शेयर किया आपके साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ, और आज हम आपको ये बता दें अगर रिवाइवल मेजर्स भी हुए तो वो उस बिना पे हुए हैं। हमारा काम इन चीजों से रुकेगा नहीं, जो भी हमारा अच्छा काम है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। आप लोगों के साथ ये जरूरी शेयर करना है कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्शन कुछ टाइम से रुके हुए हैं और उस पे भी बहुत पेशरफ्ती हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द शेयर करेंगे जो भी पेशरफ्त होगी। और जब भी ये चीजें सामने आती हैं, जो भी कल प्रेसिडेंट ऑफिस अलोंग विद हिज ऑफिस बेयरर्स आएगा, तब भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बगैर, क्योंकि वी आर द पीपल हु हैव टू रिप्रेजेंट ट्रेड एट ऑल लेवल्स, उसके बिना पे कोई नहीं कर सकता है ये काम, क्योंकि ये चैम्बर का एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ना कि हम बताएं कि हम जाएंगे, देखिए कुछ एक्यूजिशन हैं कि हम जी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए और उनको बोला कि एप्पल ट्रेड करो बंद, फिर आप जो एप्पल ग्रोवर्स के इश्यूज होंगे फिर हम उनके साथ जाएंगे। देखिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, 1.5 बिलियन डॉलर लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि हम इतना, हमारे पास जो मेमोरेंडम ऑफ ये था, डिमांड्स थी, वो हमने पब्लिक की, हम चोरी छुपे मिलने में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोगों के मसाइल। दूसरा एक्यूजिशन कि जी कर्जे हैं इनके 20 करोड़ है प्रेसिडेंट के कर्जे। देखिए अगर आप देखें तो पूरा जो कौम है अभी कर्जे से ही है, तो आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप को नहीं, मैं पूरे उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जिनके कर्जे हैं। पिछले 3 साल से हम रिवाइवल के लिए लड़ रहे हैं और आज भी उस बात को लेके हम लड़ेंगे, क्योंकि रिवाइवल लाना, बिजनेस चलाना, इट इज माई राइट, और इससे पीछे मैं नहीं रहूंगा। रही बात मेरी पर्सनल जात की, तो मुझे ये क्लियर जरूरी करना है आप लोगों को, सबको बताना है कि मैंने लेटली, हमने 3 प्रॉपर्टीज को सेल ऑफ कर दिया, और ये कोई चोरी छुपे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है बिटवीन मी बैंक एंड द पीपल हु आर बाइंग, और मैं एक पैसा भी तब तक नहीं रखूंगा जब तक मैं इंशाअल्लाह रहमान एक भी चीज मैं नहीं रखूंगा, ना मैं कर्जे के लिए बैठा हूं यहां पर। हर एक बिजनेसमैन का ये प्राइमरली होता है कि भाई ये क्यों नहीं करेगा, अगर मेरा एंसेस्ट्रल मकान भी भेजना पड़ेगा वो भी भेजूंगा, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट दी है, और क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं यहां पे किसी का पैसा लेने के लिए नहीं बैठा हूं, ना मैं कोई फेवर लेने के लिए बैठा हूं, मैं यहां पे लोगों को लिए, मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया हूं और इलेक्शन के थ्रू आया हूं, और जब तक हमारा एक फर्ज है, जब तक ये इलेक्शंस और एजीएम नहीं होते हैं, हम इसको आधे रास्ते पे चैम्बर को इसी तरह छोड़ के नहीं जा सकते, वो एक बुजदिलाना हरकत होगी। और आप लोगों के साथ ये शेयर जरूरी करना था कि आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई भी, देखिए ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, खुदा के लिए इसको छोड़ दीजिए, इस पे आप इंटरवीन ना करें तो बेहतर होगा, कल अल्लाह का खौफ रखें आप, धमकी देके कुछ देके क्या फायदा इन चीजों से। अगर आपकी यही है तो मैं पूरी दुनिया के लोगों से अपील करूंगा कि अगर किसी का ईगो हर्ट हुआ है कि वो चाहता है कि नहीं बस ट्रेड को भी, इस इंस्टीट्यूशन को भी बंद करवाना चाहते हैं, तो प्लीज वो आपकी मर्जी होगी, मगर हमारा नहीं, वी लव दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री है इसके पीछे, तो हम इस चीज के साथ नहीं रहेंगे। तो आप लोगों के साथ ये जरूरी कुछ चीजें थी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज एट फोरफ्रंट, इश्यूज हमने सॉर्ट आउट किए हैं, हमने एलजी के साथ 2 महीने 2.5 महीने पहले मीटिंग भी की कि जो रिवाइवल पैकेज में कुछ कमियां रही हैं उनको पूरा करिए, जो हमारे रिवाइवल, जो हमारे सिक यूनिट्स हैं, देखिए दुकानदार जो है वो चाहता है कि और बिजनेस करे, मगर फाइनेंशियल उसके पास फाइनेंसेस नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है मार्केट में, तो ये चीजें हमको गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे तो किन के पास रखेंगे। तो ये हम इनको इस बात को बावर करना चाहते हैं, हम तब तक यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठेंगे जब तक
नई ट्रांजिशन नहीं आती है, मगर तब भी हम उन प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयरर्स का सपोर्ट करेंगे जब तक वो अवाम की बात करेंगे और लोगों की बात करेंगे और बिजनेसेस की बात करेंगे। देखिए दूसरा एक एक्यूजिशन था कि कैंसर हॉस्पिटल, जैसे ही कैंसर हॉस्पिटल एक कश्मीरी सुनता है तो खुशाइंदा बात है, वेलकम करता है, अप्रिशिएट करता है। अब गवर्नमेंट कहाँ बनाना चाहेगी? देखिए हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम मशवरा देंगे कि कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे बनाएंगे आप, हमारा है ही नहीं है डोमेन, तो खामखा आप हमको इसमें घसीट रहे हैं। हम पॉलिटिकल हैं और तब तक इंशाल्लाह पॉलिटिकल रहेंगे जब तक हमारे इश्यूज और सारे चीज, जब तक चैम्बर देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमने बार बार ये कहा है कि KCCI इज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इनका सिर्फ डोमेन है जो भी मसाइल है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, न कि किसी पॉलिटिकल इसमें आना। और ये बात हम एश्योर कर रहे हैं आपके थ्रू कि हमारा काम सिर्फ वाजिया और वाजिया तौर पे ये है कि हम अपने बिजनेसेस को रिवाइव करें। एप्पल इंडस्ट्री में आपको बता दूं 2018 में जब नवंबर दिसंबर में पहली बर्फ हो गई थी, इट वाज द KCCI व्हिच वेंट फ्रॉम विलेज वन विलेज टू अनदर, और हमारे असेसमेंट पे 180 करोड़ गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया। आप हमारे एप्पल इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ वाबस्ता रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि एप्पल इंडस्ट्री को नहीं जी रास्ता, बट एक अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि इंश्योर करिए फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रक्स ताकि इन वैयाक बातों के लिए जगह ना मिले। देखिए ऐसी बातें जब होती है तो एक्यूजिशन होता है कि शायद इनको कुछ, देखिए खुदा ना खास्ता अगर मैं ही एप्पल ट्रेड कर रहा होता तो कुछ भी एक्यूज कर सकते हैं, तो प्लीज इन बातों पर हवा ना दीजिए। गवर्नमेंट को भी अपील है कि वो फ्री मूवमेंट अगर वो इंश्योर कर सकते हैं दो दिन में तो इंश्योर ऐसा कुछ प्रोसेस करिए ताकि ये पूरा सीजन वो अच्छी तरह, और आने वाले दिनों में आप देखें ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ भी हमने ये बात उठाई थी कि नेशनल हाईवे इज एन इशू एंड अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट रिजॉल्व्ड हमारी इकोनॉमी हमेशा सफर करती रहेगी। सर आप ये बोल रहे इल्जाम आप किसने लगाए हैं? ये वीडियो पे है कोई साहिबान, मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, और उन्होंने वीडियो एक डाला है फेसबुक पे, तो आज सुबह मुझे मिला, दो दिन पहले भी मिला, मैंने सोचा चलो इनको कोई गलतफहमी होगी, मगर आज जब फिर रिपीट हुआ तो मुझे लग रहा है इट वाज माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू कम ओपन ऑन दिस एंड क्लियर आवर पोजीशन, क्योंकि देखिए हम वहां पे रहते हैं कि आपके जान को भी खतरा हो सकता है, क्या इंसानियत इतनी मर गई है कि जो हम पब्लिकली शेयर कर रहे हैं कि उसको भी एक्यूज किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये आपके सामने जरूर लाना था। सर ये जो वक्त का मामला है जी, चेयरपर्सन बार बार ये कह रहे हैं कि दुकानदार किराया नहीं दे रहे क्योंकि जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, जी है। देखिए मामले पे क्या, हाँ देखिए वक्फ परसों एक डिबेट थी तो वहाँ पे चेयरपर्सन साहिबा बैठी थी, तो मैंने उनको ये सामने रखा कि जितने भी जेन्युइन इश्यूज हमें होंगे हमने इनको एक रिक्वेस्ट भेजी है, न कि आप कहाँ कैंसर हॉस्पिटल, रिक्वेस्ट इसके लिए भेजा कि हमारे पास जो ताजर लोगों के मसाइल है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और चाहेंगे कि इनका रेजोल्यूशन हो। देखिए ताजर लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, बिजनेसेस उनके सफर कर रहे हैं, थ्रूआउट वर्ल्ड सफर कर रहे हैं लोग, मगर जो यहाँ के कश्मीर के लोग हैं उन्होंने बहुत टाइम से सफर किया हुआ है, तो ये बातें हमने डिबेट में भी ओपनली कही और हम हमेशा ताजरों के साथ जो रिवाइज्ड रेट्स पे वो किराया मांगते हैं। देखिए ये बातें तब होंगी जब एक इंटरेक्शन प्रोग्राम उनके साथ होगा, अभी हमने बोला हुआ है, अभी हुआ नहीं, बट यकीन मान लीजिए जब भी होगा वी विल टेक अप ऑल द इश्यूज जो हमारी बिजनेस फेटर्निटी कन्फ्रंट कर। देखिए किराया आप किरायादार है और मैं किराया देने, आप कुछ और कहेंगे मैं कुछ, एटलीस्ट एट द एंड सम एग्रीमेंट हैज टू हैपन, सो इस तरह एक साइड से बात कभी चलती नहीं है, मिल बैठ के बात हो जा। सर एज ऑफ नाउ अगर फ्रूट गोवर्स की बात करें तो फिगरेटिवली क्या कोई ऐसा डेटा KCCI के पास है जो ये डिफाइन कर पाए या कंपेयर कर पाए प्रीवियस ईयर के हिसाब से आज के ईयर में ग्रोवर्स कह रहे हैं कि काफी लॉस हुआ, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग? देखिए लॉस रिपोर्ट अभी हमने हमेशा
جلد بازی نہیں کی ہے, ہم ان کا رپورٹ لے لیں گے جو بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہے, ہمارے دوست لوگ ہیں, کیونکہ ایک اور برڈن بڑھنے والا ہے کیسی ایسی آر پہ. اس میں فروٹ گروورز کے لیے جو بھی ہم کو اسیسمنٹ ملے گی, فیڈ بیک آ کے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ڈیفینیٹلی دیٹ میٹر ول بی ٹیکن اپ. یہ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار یہ چیزیں نہ ہو. اگر یہ ٹرانسپورٹ ایشو آ گیا, ہائی وے کا ایشو آ گیا, ہماری کوشش رہے گی کہ یہ بیسک ایشو ہی ختم ہو, یہ ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کتنا فاسٹ ہو.